यह एनिमेशन स्टॉक माउंटेन पर रहने वाले सारसों का परिचय देते हुए शुरू होता है। इन सारसों का एक विशेष काम था जो दुनिया भर में परिवारों को कपड़े के वाहकों का उपयोग करके शिशुओं की डिलीवरी करना था। ये एक आसान काम नहीं है क्योंकि कभी कभी बच्चे यात्रा के दौरान बहुत हिलते हैं। समय के साथ स्टॉक का काम बदल गया। अब वे बच्चों की डिलीवरी के बजाय पैकेज डिलीवर करने के लिए कॉर्नर स्टोर नामक कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के लिए काम करने वाले एक सारस का नाम जूनियर है। एक डिलीवरी पूरी करने के बाद जूनियर के सहकर्मी ने उसे बताया कि कंपनी के CDO हंटर उससे मिलना चाहते हैं। जब जूनियर अपने बॉस के कमरे में गया, हंटर वहां एक पक्षी को पकड़े हुए था। वहां उसने जूनियर से कहा कि वह शानदार काम कर रहा है और जल्द ही कंपनी के अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत होने वाला है। प्रमोशन के साथ हंटर ने जूनियर को ट्यूलिप नाम की एक युवती की तस्वीर दिखाई और उसे मानव दुनिया में वापस लाने में मदद करने के लिए कहा। 18 साल पहले एक सारस नामक जैस्पर को उसके माता पिता को ट्यूलिप पहुंचाना था, लेकिन जब उसके माता पिता का पता लैंप टूट गया तो दूसरे स्टॉक्स उन्हें नहीं ढूंढ पाए। इस दुर्घटना ने सभी स्टॉक्स को बच्चे पहुंचाना बंद कर दिया। किसी को नहीं पता कि जैस्पर अब कहां है। टुलिप को सारसों ने पाला था और वह हंटर की कंपनी के लिए काम करने लगी। हालांकि वह अपने काम में अच्छी नहीं थी और कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए हंटर ने आगे की समस्याओं से बचने के लिए उसे निकालने का फैसला किया। अपने बॉस से आदेश पाकर जूनियर ट्यूलिप और उसके जानवर दोस्तों के पास गया। वे ट्यूलिप द्वारा बनाई गई एक रॉकेट से उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया क्योंकि मुर्गी ने इसे बहुत जोर से सक्रिय किया। यह ट्यूलिप और दूसरों को टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। सौभाग्य से जूनियर उन्हें बचाने के लिए उड़ा, हालांकि ट्यूलिप के रॉकेट ने शिपिंग ऑफिस में आग लगा दी। भले ही जूनियर को गलती के लिए ट्यूलिप को निकाल देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने उसे बताया कि वह डाक वितरण विभाग में स्थानांतरित की जा रही है, जो कुछ समय से सक्रिय नहीं था। टुलिप उत्साहित थी और उसने नई नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन नई इमारत में जाने के बाद उसे ऊब महसूस हुई क्योंकि उसके लिए कोई काम नहीं था। समय बिताने के लिए उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया, जबकि वह कुछ करने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद नेट गार्डनर है, एक लड़का जो अपने खिलौनों के साथ बहुत समय बिताता है, क्योंकि उसके माता पिता हेनरी और सारा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन कार में अपने माता पिता के साथ यात्रा करते समय नेट तीन भाइयों को साथ में मजे करते हुए देखता है और चाहता है कि उसका भी एक छोटा भाई होता जो उसका साथ देता। लेकिन जब वे अपने माता पिता से एक छोटे भाई के लिए पूछता है तो वे उसके अनुरोध को अनदेखा कर देते हैं, जिससे नेट दुखी महसूस करता है। घर पर वापस आकर अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित और अकेला महसूस करते हुए नेट अटारी में घुस गया और उसे कॉर्नर स्टोर का एक ब्रोशर मिला, जो एक कंपनी है जो बच्चों की डिलीवरी करती है। उस समय वह अपने लिए एक छोटे भाई का गुप्त रूप से ऑर्डर करने का निर्णय लेता है। नाटक करते हुए कि यह ऑर्डर उसके माता पिता ने दिया है, वह एक पत्र लिखता है और उसे भेज देता है, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही एक छोटा भाई आएगा। अगले दिन ट्यूलिप, जो एक कोने की दुकान में काम करती है, नेट का पत्र प्राप्त करती है और आखिरकार कुछ करने को मिलने पर उत्साहित होती है। इस बीच कॉर्नर स्टोर के CEO हंटर अपने पालतू पक्षी के साथ गोल्फ खेलने में व्यस्त हैं। उस समय जूनियर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्यूलिप को देखकर चौंक जाता है और हंटर को यह नहीं पता चले कि उसने ट्यूलिप को निकाला नहीं है जैसा कि आदेश था, इसलिए तुरंत केबल को डिस्कनेक्ट कर देता है। शांत बनने की कोशिश करते हुए जूनियर ने हंटर के सामने कुछ नहीं होने का नाटक किया। जल्द ही जूनियर टुलिप के कमरे में दौड़ता है, जहां वह नेट के पत्र को बेबी मेकिंग मशीन में डालने वाली थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि पत्र को मशीन में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन ट्यूलिप ने नहीं सुना और वैसे भी पत्र को डाल दिया। नेट द्वारा ऑर्डर किए गए बच्चे को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जूनियर घबरा गया और मशीन को बंद करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसके पंख को चोट पहुंची। बंद करने में सफल होने के बाद उसने ट्यूलिप से कमरा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर उसके आश्चर्य के लिए बच्चा बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और एक बच्चे को ले जाने वाली एक नली प्रकट हुई। उस समय जूनियर चिंतित थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मशीन को फिर से चालू किया गया है। एक दिन कबूतर टोड़ी, जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है, टुलिप के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करता है। जूनियर और टुआ को बच्चे को अंदर रखे ट्यूब के साथ छिपाने के लिए बना दिया। पिजन के जाने के बाद जूनियर बच्चे को उसके इरादे के पते पर पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन चूंकि उसका पंख टूटा हुआ है वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वे नेट के पास जाने के लिए यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद एक साधारण ट्यूलिप बनाने का फैसला करते हैं। वे नेट के घर की यात्रा शुरू करते हैं, बेखबर कि जैस्पर उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वह ट्यूलिप को ढूंढना चाहता है, बच्चा जिसे उसे अतीत में डिलीवर करना था। इस बीच नेट के घर में नेट अपने माता पिता के काम में व्यस्त होने के दौरान पिछवाड़े में कुछ पर काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पिता हेनरी देखने आए कि नेट क्या कर रहा है। वहां नेट ने उसे वो बच्चे का आदेश पत्र दिखाया जो उसे मिला था और समझाया कि वह एक बच्चे का भाई चाहता है। हेनरी नेट को बताने की कोशिश करता है कि अब बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, लेकिन नेट सच में सुनता नहीं है। वह अपने पिता से काम पर वापस जाने के लिए कहता है कि वह अकेले काम करने का आदी है। दूसरी ओर पिजन, जो जूनियर और ट्यूलिप के व्यवहार पर संदेह करने लगा, ट्यूलिप के अध्ययन कक्ष में वापस आया और वहां बेबी पाउडर पाया। फिर उसने अपने छोटे विमान का उपयोग करके जूनियर की खोज शुरू की। फिर जैसे ही जूनियर और ट्यूलिप अपनी यात्रा जारी रखे, ट्यूलिप बच्चे का नाम रखना चाहती थी, लेकिन जूनियर ने उसे रोक दिया। उस क्षण ट्यूलिप लगातार सवाल पूछ रही थी, जिससे जूनियर परेशान हो गया, जो उसे विमान से गिराने वाला था।
लेकिन समय रहते उसे बचा लिया। जल्द ही बच्चा रोने लगा, इसलिए ट्यूलिप ने प्लेन के पीछे बच्चे की जांच करने के लिए नियंत्रण छोड़ दिया। इससे प्लेन बर्फीले पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुलिप और जूनियर ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और दोषी ठहराया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा सुरक्षित है। इसके चलते जूनियर ने तुलिप को छोड़कर अकेले बच्चे को ले जाने का फैसला किया, जिसे वह हमेशा मुसीबत का कारण मानता था। यात्रा के दौरान जूनियर, जिसका हाथ टूटा था, पैदल चल रहा था, एक हिमस्त्रोम का सामना करता है और एक भेड़ियों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है। अचानक वह बेहोश हो गया और जागा तो पाया कि वह और ट्यूलिप भेड़ियों द्वारा पकड़े गए हैं। बच्चा उनके खाने के लिए तैयार है। जैसे ही एक भेड़िया बच्चे के पास आया, दूसरे ने हस्तक्षेप किया और वे इसे खाने के बजाय बच्चे के साथ खेलने लगे। इसकी हंसी से मोहित होकर, ठीक उसी तरह ट्यूलिप हिट जूनियर और भेड़िए, उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों से खुश होकर, जिसने बच्चे को हंसाया, उन्हें जाने दिया और यहाँ तक कि उनका मनोरंजन भी किया। उस समय ट्यूलिप ने एक भेड़िए को मारने का मौका देखकर जूनियर के साथ बच्चे को उठा लिया और एक लकड़ी के पुल के पार भाग गए। पुल के अंत में तुलिप और जूनियर ने भेड़ियों को रोकने के लिए इसे काट दिया, लेकिन भेड़ियों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया जब वे खुद एक पुल बनाकर उनका पीछा करने लगे। उस क्षण में ट्यूलिप और जूनियर दौड़ते रहे जब तक कि वे एक भूमिगत नदी में नहीं गिर गए। वे एक छोटी नाव का उपयोग करके भाग निकले, लेकिन भेड़िए नावों और पनडुब्बियों में बदलकर उनका पीछा करने लगे। नदी से बाहर निकलने के बाद तुलिप और जूनियर बच्चे के साथ अपने विमान की ओर जल्दी से बढ़े। उन्होंने नदी पार करने के लिए विमान को नाव में बदल दिया, जबकि भेड़िए उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी में गिर गए क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे। इस बीच गार्डनर परिवार के घर में वापस सारा ने देखा कि उसका पति अभी भी बाहर है। जल्द ही वह बाहर गई और उसे नेट के साथ छत पर खेलते हुए पाया। जब सारा ने पूछा कि वे क्या कर रहे थे, हेनरी ने उसे उनके साथ शामिल होने का न्योता दिया, एहसास करते हुए कि उन्होंने परिवार के रूप में ज्यादा समय साथ नहीं बिताया। तो वे छत पर एक छोटे विमान के रनवे का निर्माण साथ में नहीं करते हैं। दूसरी ओर बच्चा, जो तुलिप और जूनियर के साथ यात्रा पर था, बेचैन हो गया। उस समय जूनियर ने बच्चे को शांत करने के लिए एक गीत गाया। जब वे नदी किनारे पहुंचे, जूनियर ने जानबूझकर उनकी नाव को तोड़ दिया ताकि वे वहां रात बिता सकें। इस बीच पिजन तुलिप के विमान के दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और आसपास के जानवरों से पूछताछ कर रहा था कि क्या उन्होंने उसे और अन्यों को देखा है। शाम को जूनियर और तुला ने एक अलाव जलाया और बच्चे डायमंड डेस्टिनी के लिए एक बिस्तर बनाया। उस समय जूनियर ने ट्यूलिप से कहा कि वह अगले दिन बंदरगाह पर डायमंड के लिए कुछ इंतजाम करने जाएगा। ट्यूलिप जूनियर के पंख बुनते समय अपने माता पिता को खोजने की योजना के बारे में बताती है, जिनका पता उन्हें नहीं पता क्योंकि उसका डिलीवरी लैंप टूट गया था। उसके पास इसका एक टुकड़ा था जिसे उसने एक हार में बदल दिया। ट्यूलिप नहीं चाहती थी कि डायमंड उसके जैसे संघर्ष करे बिना अपने माता पिता से मिले बड़ा होना। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर जूनियर ने उसे बच्चे का नाम रखने दिया और उसने डायमंड डेस्टिनी का चयन किया। रात के दौरान डायमंड रोने लगी और जूनियर और ट्यूलिप ने उनकी सुखदायक स्थिति में उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्हें पता चले बिना कबूतर ने उन्हें ढूंढ लिया और उनका स्थान हंटर को बता दिया। अगली सुबह ट्यूलिप ने जूनियर को जगाया ताकि वे डायमंड के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें। ट्यूलिप का खाना खाने में वे हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। इस बीच नेट खुश हुआ और उसने सारा को गले लगा लिया, जिसने उसे डायमंड के आगमन के लिए तैयारी में मदद की। तब से नेट और उसके परिवार ने और भी करीबी महसूस की और नेट अब अकेला महसूस नहीं करता था। इसी समय ट्यूलिप और जूनियर भी डायमंड के साथ यात्रा करते हुए करीब आ गए थे। कोने की दुकान के दफ्तर में हंटर ने जानबूझकर डायमंड का पता बदल दिया ताकि वह नेट के घर पर न जा सके। इस बीच तुलुक और बाकी लोग बंदरगाह पहुंच गए, लेकिन उन्हें भेड़ियों ने पीछा किया, जो एक कार में बदल गए। जैसे ही वे घेरे में आए, जैस्पर आया और उन्हें एक जहाज पर ले गया जो समुद्र पर तैर रहा था। भेड़ियों ने डायमंड को गोद न ले पाने के अपने दुहक को दिखाने के लिए एक टूटा हुआ दिल बनाया। जहाज पर ट्यूलिप ने जैस्पर पर अपने माता पिता से मिलने न देने के लिए गुस्सा व्यक्त किया, लेकिन जैस्पर ने खुलासा किया कि उसने गुप्त रूप से दीपक के टुकड़े इकट्ठे किए थे। तुलिप के माता पिता के पते से आया लैंप, दुर्भाग्य से एक टुकड़ा गायब था जिसे अब तुलिप ने संजोकर रखा था। जल्द ही ने जैस्पर को टुकड़ा दिया ताकि वे उसके माता पिता का पता लगा सकें। घर जाने के विचार से वे खुश थी और जूनियर ने उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर ट्यूलिप जैस्पर के साथ गई, लेकिन जब वह अपने माता पिता के घर पहुंची और दरवाजे की घंटी बजाने वाली थी, उसने पहले डायमंड को ले जाने का फैसला किया। इस बीच जूनियर डायमंड के पते पर पहुंच गया। गार्डनर परिवार के घर वापस आकर उन्हें लगा कि नेट द्वारा ऑन ऑर्डर किया गया बेबी पैकेज मिला है, लेकिन यह पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स उनसे छत पर मिनी रनवे की लाइट्स हटाने के लिए कह रहे थे। नेट दुखी था, लेकिन उसे अपने माता पिता के साथ लगाई गई लाइट्स हटानी पड़ी। दूसरी ओर जूनियर को हंटर को डायमंड के पते पर देखकर झटका लगा। उसे पकड़ लिया गया और बांध दिया गया, जबकि डायमंड को पेंगुइन ने कोने की दुकान के ऑफिस में ले गए। तुलिप की बात करें तो जब वह डायमंड के पते पर पहुंची, उसने जूनियर को बंधा हुआ पाया। डायमंड को हंटर द्वारा ले जाए जाने का पता चलने पर तुलिप ने कॉर्नर स्टोर से कुछ ऑर्डर किया और बिना पकड़े गए ऑफिस में घुसने के लिए उसे वापस किया। अंदर बगुलों का एक कार्यक्रम था, इसलिए ट्यूलिप और जूनियर ने खुद को रूम में प्रवेश करने के लिए शुभंकरों के रूप में छिपाया, जहां डायमंड था।
उन्होंने सोते हुए बच्चे को जगाने से बचने के लिए पेंगुइन से चुपचाप लड़ाई लड़ी। कुछ ही समय बाद जूनियर और ट्यूलिप ने डायमंड को बचा लिया, पर उनकी वेशभूषा पकड़ी गई, इसलिए उन्होंने डाक कार्यालय की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। दबाव में ट्यूलिप ने बेबी बनाने वाली मशीन में पत्र डालने की धमकी दी, बावजूद हंटर के जूनियर को चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव के। उसने अपने बॉस की अवज्ञा की और मशीन में 1,000,000 पत्र डाले। नतीजतन मशीनों ने बच्चों का उत्पादन शुरू किया और सारस उन्हें कपड़े के झूलों में लेकर उनके गंतव्यों तक पहुंचाने लगे। इस बीच हंटर ने मशीन को एक भारी उपकरण से नष्ट करने की कोशिश की, पर डायमंड ने एक रिमोट बटन दबाया जो एक रोबोट को नियंत्रित करता था, जिससे यह इमारत से नदी में गिर गया। बेबी डिलीवरी ट्यूब्स खाली होने पर स्टॉक्स ने बच्चों को उनके माता पिता के पास ले जाने के लिए कंबल का उपयोग किया, जो अपने नए परिवार के सदस्यों का स्वागत करने में प्रसन्न थे। रात में नेट ने खुशी से देखा कि एक सारस उस बच्चे के साथ उड़ रहा था जिसे उसने मंगवाया था। थोड़ी देर बाद उसने डायमंड का स्वागत करने के लिए लाइट्स जलाई। मिशन पूरा होने के बाद जूनियर और ट्यूलिप ने विदाई ली। अंतिम दृश्य में जूनियर और अन्य बगुले ट्यूलिप को उसके माता पिता के घर तक ले गए। जब दरवाजा खुला, ट्यूलिप के परिवार ने 18 वर्षों के इंतजार के बाद उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। वे जूनियर को गले लगाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एनिमेशन खत्म होता है। इस एनिमेशन से नैतिक सबक ये है कि अपने आदेशों को हमेशा दोबारा जांचें, नहीं तो आप गलती से एक सारस परेड और आश्चर्यजनक बच्चों से भरे घर के साथ समाप्त हो सकते हैं।